हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 कार्स ऑफ मारुति सुजुकी जो कि जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानने में दिलचस्पी रखते हैं अपकमिंग कार्स ऑफ मारुति सुजुकी इन इंडिया 2023, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और बात करते हैं नंबर वन पे आती है मारुति सुजुकी एस्क्रोस नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी एस्क्रोस जो कि भारतीय कार बाजार में काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ था मारुति के लिए, उसका एक न्यू जनरेशन जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि ये गाड़ी यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई है और वहाँ पे इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये लगभग आपको ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ट देखने को मिलने वाली है। वहीं गाड़ी लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको फ्रंट से लगेगी ग्रैंड विटारा से। वहीं गाड़ी में आपको ओवरऑल लुक्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाले हैं। और इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है, जिससे आपको माइलेज वन ऑफ द बेस्ट इट सेगमेंट मिलने वाला है। इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो गाड़ी में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला, जो कि 140 वोल्ट लिथियम बैटरी आयरन के साथ आने वाला है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 150 bhp की। साथ ही आपको 138 nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि गाड़ी आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आने वाली है, जिससे आप जो पहाड़ों या फिर उबड़ खाबड़ टेरियन से उन पर भी आप इजीली से ड्राइव कर सकते हैं। ये 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाली है। कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो ये आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट, 360 डिग्री कैमरा, जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। वही वायरलेस चार्जिंग भी मिल सकती है और 360 डिग्री कैमरा तो आपको बताइए जैसे इसमें मिल सकता है। बात की जाए प्राइसिंग की तो लगभग इसकी प्राइसिंग आप मान सकते हैं कि 10 लाख के आसपास रह सकती है और लॉन्चिंग नवंबर 2023 तक भारतीय कार बाजार में हो सकती है। बात की जाए अगली गाड़ी यानी नंबर दूसरे पे आने वाली गाड़ी की तो वो है मारुति एंगेज। जी हां दोस्तों, मारुति एंगेज नाम से मारुति सुजुकी एक 7-सीटर SUV को लॉन्च कर सकती है, जो कि Hyundai Alcazar, टाटा सफारी वाले सेगमेंट में कम्पीट करेगी। बात की जाए इस गाड़ी की, इसके एलिमेंट्स आपको XL6 एंड Ertiga से सिमिलर लग सकते हैं। इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाए गए हैं, अपने आप में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अपीलिंग लगती है, जिसमें आपको 7-सीटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। 2 इंजन ऑप्शन इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 2 सिलेंडर टर्बो स्ट्रोक हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको 186 bhp की पावर, 206 nm का टॉर्क मिलने वाला है। एंड सेकंड वन इज 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 174 bhp की पावर जनरेट करेगा और 205 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये 6-speed मैनुअल CVT एंड ECVT ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलने वाली है। गाड़ी के लुक्स की बात की जाए जिसमें आपको प्रीमियम डैशबोर्ड, प्रीमियम इंटीरियर और एक्सटीरियर देखने को मिलने वाला है। इसके थोड़े बहुत पार्ट शेयरिंग आपको ग्रैंड विटारा से भी सिमिलर लग सकते हैं, आप इसे ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वर्जन भी मान सकते हैं। बात की जाए प्लेटफॉर्म की तो ये आपको BNG प्लेटफॉर्म पर बेस्ट देखने को मिलने वाली है। बात की जाए इसके एक्स्ट्रा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फीचर्स भी, आपको पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 8 इंचेस टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ ये 11 लाख रुपीज़ के आसपास रह सकती है और ये 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स में भारतीय कार बाजार में देखने को मिल सकती है। बात की जाए थर्ड गाड़ी की तो वो है स्विफ्ट हाइब्रिड। जी हां दोस्तों, स्विफ्ट हाइब्रिड में जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च हो सकती है, जो कि जो मिडिल क्लास इंडियन से जो एक स्मॉल हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं और उनको माइलेज काफ़ी तगड़ा चाहिए, क्योंकि उनकी रोज की जो रनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस कार को एज इन कंसिडर कर सकते हैं इन फ्यूचर की। इसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलने वाले इसके इंटीरियर, बाकी एक्सटीरियर में आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। एक्सटीरियर में आपको सेम ही देखने को मिलने वाले, इंटीरियर आपको थोड़ा बहुत अपडेटेड मिलने वाला है। वही मेजरली इसके चेंज की बात करें तो इसमें आपको इंजन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले, जो कि न्यू इंजन ऑप्शंस रहने वाले, वो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रोक हाइब्रिड इंजन, जो कि लगभग आपको 30-35 kmph का माइलेज जनरेट कर सकती है। इसी के साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग, अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू कलर डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला, गाड़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अपीलिंग बनाई जाने वाली है। वही ये आपको 9 लाख के आसपास देखने को मिलने वाली है और ये भी आप मान सकते हैं कि अक्टूबर 2023 तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। बात की जाए नंबर 4 गाड़ी की तो वो है मारुति EVX EV
कॉम्पैक्ट एसयूवी। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट ईवी एसयूवी रहने वाली जो कि भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। इस गाड़ी को कंपनी ने 2023 ऑटो एक्सपो में भी शोकास किया था। इसमें आपको लगभग 60 किलोवाट बैटरी पैक देखने को मिलने वाला विद फास्ट चार्जिंग, जो 400 टू 450 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी। इसमें आपको डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप देखने को मिलने वाला, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली। वही इस गाड़ी की प्राइसिंग 14 से 20 लाख के आसपास रह सकती है। बात की जाए इंटीरियर फीचर्स की, इसमें आपको 10.25 का टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल MID, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, LED सेटअप फ्रंट में देखने को मिलने वाला। वही गाड़ी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आ सकती है। बात की जाए एलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। वही प्राइसिंग मैंने आपको बताया, ये 40-20 लाख रुपीस के आसपास रह सकती है और ये भी आने वाले फेस्टिव सीजन में भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। बात की जाए नंबर 5 गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी एक्रोस। जी हाँ दोस्तों, एक्रोस एक सी सेगमेंट SUV जिसे यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया था मारुति सुजुकी के द्वारा। बेसिकली ये एक रिबेज कार है टोयोटो की RAV4 SUV की। ये गाड़ी अपने आप में काफी प्रीमियम लुक कैरी करती है और अपने आप में ही एक काफी अच्छी और एक रीसेंट अच्छा माइलेज देने वाली हाइब्रिड कार आप इसे मान सकते हैं। इसमें आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो कि 182 BHP की पावर जनरेट करता है। इसमें आपको AMT और ECVT देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट मिलने वाले हैं। वहीं मारुति एक्रोस में आपको एडास की टेक्नोलॉजी भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और गाड़ी के लुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अपीलिंग बनाए गए। इसमें आपको रियर SUV वेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, वहीं काफ़ी बड़ा सनरूफ भी देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग इसकी 15 से 20 लाख रह सकती है और 2024 के मिड तक ये भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। नंबर 6 गाड़ी की बात की जाए तो है मारुति XL7। जी हाँ दोस्तों, मारुति XL7 करंट जनरेशन XL6 का एक अपडेटेड वर्जन रह सकता है, जो कि 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला। बेसिकली जो XL6 है वो 6 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, क्योंकि उसमें आपको बीच में 2 कैप्टन सीट्स मिलती है। लेकिन XL7 प्रॉपर बेंच सीट के साथ एक 7 सीटर MPV रहने वाली, जो कि भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। साथ ही इसके ओवरऑल लुक्स काफी प्रीमियम रहने वाले हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में भी बेची जाती है। इसमें आपको फ्रंट में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ इंटीरियर में भी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू कलर MID, साथ ही डैशबोर्ड की जो कलर स्कीम से वो चेंज हो सकती है। प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 7 से 10 लाख के आसपास रह सकती है। वही इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 1.5 लीटर K15 सीट्स पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो कि 101 BHP की पावर, 180 LM का टॉर्क जनरेट कर सकती है। वही ये लॉन्चिंग की बात कर तो ये इस साल के दिवाली फेस्टिव सीजन के आसपास भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ कारें थी जो कि भारतीय कार बाजार में जल्दी लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी के। तो फ्रेंड्स, यही कुछ कारें थी जो कि मारुति सुजुकी द्वारा भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। ऐसी ही और भी न्यू वीडियोस को चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर जो टैब दिख रहा है उन पर क्लिक करके आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। यू हैव अ वेरी वेरी